Welcome to KS Academy. इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ एसटीसीपी, एसटीसीपी है ना। बेसिकली एसटीसीपी आईटीसीपी से एक चीज में अच्छा है वो ये कि यहां एंड टू एंड हमें जो एंड टू एंड टीसीपी प्रोवाइड करता है, मतलब कि अगर इसके पास डाटा नहीं पहुंचा तो सीएम को पता चल जाएगा कि डाटा नहीं पहुंचा, लेकिन उस केस में नहीं पता लग रहा क्योंकि एसी की तो पहले ही भेज दे रहे थे हम, एफ एक एम एन से पहुंचने से पहले हमारा एसी के तो उसके पास पहुंच जाता था, सो ये नहीं होता था, है ना। सो वही चीज बोलिए कि इसमें एसटीसीपी में सबसे पहले एफ ए या एम एस आर जो मर्जी कह लो उसमें हमने एक एडिशनल लेयर डाल दी, दैट इज योर स्नूपिंग लेयर। कौन सी लेयर डाली? स्नूपिंग। असल में स्नूपिंग क्या करता है? हर पैकेट को देखता है, वॉच करता है, एवरी पैकेट को वॉच करता है ना, कि कौन सा पैकेट किधर है, इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शन हर पैकेट को ये वॉच करता है। दिस लेयर लुक एट एवरी पैकेट इन कनेक्शन, ओके। सो ये बेसिकली स्नूप करता है। ऑल्सो इसका एक अनदर फंक्शन है जो एफ ए करेगा, दैट इज योर बफरिंग, कि अपने पास डाटा ये स्टोर करता जाएगा, धीरे धीरे एम एन को भेजता जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें तुम्हें जरूर लिखनी है इसमें, ठीक है, स्नूपिंग एंड बफरिंग। अब होता क्या है वो देखते हैं। होता ये है कि सबसे पहले ये डाटा भेजता है, ये ना मैंने भेज दिया डाटा, ठीक है। इस बार ये इसको एसी के नहीं भेजेगा, इस बार ये डाटा अपने पास स्टोर करेगा, पहले बफर कर लेगा, सारा डाटा स्टोर करते जाएगा एक के बाद के, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। देन धीरे धीरे इसको डाटा सेंड करेगा एक एक करके, लेट डाटा वन भी इसके पास आ गया, डाटा टू भी इसके पास आ गया, लेकिन इधर ये डाटा वन ही भेज रहा है, ठीक है। बाकी सारे डाटा इसके पास है लेकिन अभी डाटा वन ही इसको भेजा है, ठीक है। इसका एक्नॉलेजमेंट इसको आएगा एंड ये उसके बाद इसको एक्नॉलेज करेगा, मतलब इसका आएगा तब करेगा, जब तक नहीं करेगा। उसमें पहले ही एक्नॉलेज कर देता था तो भैया यहां तक बात पहुंची नहीं पहुंची हमें क्या पता, हमें क्या पता कि यहां तक बात पहुंची है या नहीं पहुंची। सो ये इसमें एक चेंज किया गया एंड ये बहुत अच्छा चेंज था जो पहले वाले में नहीं था। ऑल्सो कि इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज यहां मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों की, आईटीसीपी की भी एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखी हुई है एंड स्नूपिंग की भी एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखी हुई है, सो उसको जरूर देखना, ठीक है। सो अब इसके बीच में क्या था? बफरिंग। इनके बीच में हमारी बफरिंग चल रही है, ओके, एंड इस एरिया में हमारी क्या चल रही है? स्नूपिंग, है ना, कि वॉच हो रहा है पैकेट एंड देन एसी के भेजा जा रहा है। बाय चांस अगर डाटा कहीं एक्नॉलेज ये ना करे, कि अगर एफए बफर कर ले एंड एफए को एक्नॉलेज ना मिले, ठीक है, एफए को एक्नॉलेज ना मिले तो एफए क्या करेगा? एफए भाई साहब कहेगा मैं वापस डाटा एमएन को भेजूंगा, मैं वापस डाटा रीट्रांसमिट करूंगा, मैं एमए एफए कहेगा मैं वापस डाटा एमएन को, एमएच को, मोबाइल नोड या मोबाइल होस्ट दोनों को डाटा रीट्रांसमिट करूंगा। दोनों एक ही चीज है, मोबाइल नोड भी है या मोबाइल होस्ट भी है, ये दोनों को डाटा रीट्रांसमिट करूंगा जब तक मेरा एसी के मुझे नहीं मिल जाता। जैसे ही मुझे मेरा एसी के मिल गया मैं उसको बोलती हूं भाई डाटा प्रॉपरली डाटा हमारा एसटीसीपी ने आईटीसी सीएन को और एमएन के बीच में पहुंचा दिया, एफए ने प्रॉपरली डाटा एमएन को पहुंचा दिया, ठीक है, एंड एसी के इस बात का सबूत बन जाएगा, ठीक है। आई होप सबको ये बात समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।